Hi everyone, my name is Samina Chaudhary. Welcome to my YouTube channel. I am a physics educator on An Academy for NEET UG and get ready for a physics supplement. Get ready for a physics पंती session जिसके अंदर हम 10 से 15 मिनट में एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे. सो दीज सेशंस आर गोइंग टू बी दे यू कैन यूज देम एज एन अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग इन फिजिक्स एंड टू एक्चुअली से दैट तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग है. ठीक है, क्योंकि जब फिजिक्स स्ट्रांग होगी तब तुम्हें इन सारे कंसेप्ट्स को न्यूमेरिकल्स में रखना आएगा और फिर जाके आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन फिजिक्स पंती सेशंस में कंसेप्ट्स को बूस्ट करना है. तो अभी के अभी बेल नोटिफिकेशंस ऑन करो, क्योंकि फिजिक्स पंती सेशंस मंडे टू फ्राइडे 5 बजे अपलोड किए जाया करेंगे. एंड तुम लोगों को विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले, मतलब बांध लो 5 बजे का टाइम, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले फिजिक्स पंती सेशंस को कंप्लीट करना है. एंड देन यू आर गोइंग टू कमेंट द नंबर ऑफ फिजिक्स पंती सेशंस यू हैव कंप्लीटेड विदाउट ब्रेकिंग अ स्ट्रीक. जैसे कि आज मैं तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ 3 की स्ट्रीक क्रिएट करने की. पहली वाले एक सेशन में, जो इस पर्टिकुलर क्लास का भी तुम पार्ट हो, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल स्लोप. फिर बाद में एक और मैं सेशन मैंने अपलोड किया है, तुम लोग चेक कर सकते हो. उसके अंदर मैंने डिस्कस किया मैक्सिमा एंड मिनिमा. और एक और मैंने सेशन अपलोड किया, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. तो एटलीस्ट आज तो पहला दिन है, ये डेमो वीडियोज़ हैं ताकि तुम्हें पता लगे कि व्हाट द हाउ फिजिक्स पंती सेशंस आर गोइंग टू बी एंड वट इज़ गोइंग टू बी माई स्ट्रैटेजी, वट इज़ गोइंग टू बी माई वे, यू नो, सो दैट आई कैन एनरिच माई मोटिव दैट योर कंसेप्ट इज क्लियर फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? तो तुम लोग कमेंट करोगे कि इतनी स्ट्रीक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, एंड ट्राई करो उस स्ट्रीक के नंबर को डबल डिजिट में लेके जाओ, उस स्ट्रीक के नंबर को ट्रिपल डिजिट में लेके जाओ. ठीक है, तो स्ट्रीक बरकरार रखेंगे अपने. तो आज तुम लोगों को 3 फिजिक्स पंती के सेशंस मिलने वाले हैं. ठीक है, बाकी बच्चों आज की ये इस पर्टिकुलर क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा वेरिएबल स्लोप, जो बहुत जगह आता है. काइनेमैटिक्स में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाता है, वर्क एनर्जी पावर में आ जाता है, मैग्नेटिक फिजिक्स में आ जाता है, मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है. सो वेरिएबल स्लोप इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो लेट मी मेक श्योर कि आपको इस क्लास के बाद, यू नो, आफ्टर इन्वेस्टिंग 8 to 9 minutes मोर, तुम्हें स्लोप्स में दिक्कत ना आए. ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक करेंगे, ठीक है, अपनी स्ट्रीक का काउंट कमेंट करेंगे, और हर एक फिजिक्स बनती जो वीडियो देखोगे, हर एक वीडियो के नीचे मुझे तुम्हारा स्ट्रीक काउंट चाहिए. एंड कोई गुस्ताखी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे चोरी नहीं करनी है. अगर 2 की स्ट्रीक है तो 2 की स्ट्रीक ही कमेंट करोगे. ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग. तो देखो, स्लोप का मतलब समझो. स्लोप बेसिकली एक ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है ग्राफ की, जिसकी हेल्प से तुम्हें एक बॉडी की डिपेंडेंस दूसरी बॉडी के डिपेंडेंस के ऊपर पता लगती है. जैसे कि इफ़ आई एम सेइंग दैट वाई क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन एक्स क्वांटिटी, तो कितने अमाउंट से और कैसे, दैट इज समथिंग जो तुम्हें स्लोप से पता लगता है. तो स्लोप हम बेसिकली कैसे लिखते हैं ना, स्लोप हम लिखते हैं इस तरीके से कि अगर मैं छोटा सा चेंज लेके आऊँ एक्स क्वांटिटी में, तो वाई क्वांटिटी कैसे चेंज होगी, दैट इज द स्लोप. दैट वॉट इज द चेंज दैट यू आर एबल टू सी इन द वाई क्वांटिटी इफ अ स्मॉल चेंज और पर यूनिट चेंज इज ब्रॉट इन द एक्स क्वांटिटी. जैसे कि लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. पहले वाला ग्राफ देखो. पहले वाले ग्राफ में अगर मान लो मैं ये वाले पार्ट ऑफ ग्राफ को कंसिडर करूँ, तो ये वाले पार्ट ऑफ ग्राफ में 2 से इंक्रीज आया है वाई एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसमें, और यहाँ पर 3 से इंक्रीज आया है एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसमें. तो अभी मैं यहाँ पर इसकी स्लोप लिख सकती हूँ कि वाई क्वांटिटी में जो चेंज आया है वो 2 से आया है, और एक्स क्वांटिटी में जो चेंज आया है वो 3 से आया है. सो दिस गिव्स मी दी स्लोप ऑफ द ग्राफ. उसी तरीके से ये वाले ग्राफ में बच्चों, मैं ये वाले पोर्शन को भी कंसिडर करके चल सकती हूँ कि इफ़ आई एम कंसिडरिंग दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक्स क्वांटिटी में जो चेंज आया है वो 6 से आया है ना. और उसी तरीके से वाई क्वांटिटी में जो इंक्रीज आया है वो 4 से आया है. तो अगेन आई कैन ऑल्सो से कि यहाँ पर जो स्लोप है इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू चेंज इन द वाई क्वांटिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन द एक्स क्वांटिटी. वॉट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रियलाइज हियर इज दैट दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड इट हैज कॉन्स्टेंट स्लोप.
ठीक है। तो जो चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि एक ऐसा ग्राफ है जिसमें तुम लोग एक कांस्टेंट स्लोप देख पा रहे हो। इसका मतलब अगर मैं छोटा सा चेंज ले आऊँ एक्स क्वांटिटी में, पहले या बाद में इट वुड नॉट मैटर, आपको एक्स आपको वाई में जो चेंज मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा। सो दिस इज वॉट वी टॉक अबाउट दैट फॉर स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स द स्लोप इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। फॉर पर यूनिट चेंज इन द एक्स क्वांटिटी द पर यूनिट चेंज द चेंज इन द वाई क्वांटिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिक्स्ड। लेकिन अभी अगर मैं नीचे वाले ग्राफ की बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है, मान लो नीचे वाले ग्राफ में मैं इतना सा छोटा सा चेंज लेके आऊं डीएक्स में, ठीक है, तो अभी यहाँ पर मुझे जो डीवाई में चेंज मिल रहा है तो डीवाई में चेंज मुझे इतना छोटा सा मिल रहा है। लेकिन अभी अगर मैं यही चेंज डीएक्स में बाद में लेके आती हूँ तो अब की बार मुझे जो चेंज मिल रहा है वो मुझे अलग मिल रहा है। सो एज यू ऑल कैन सी दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल स्लोप। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल स्लोप दैट द डिपेंडेंस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑन एक्स क्वांटिटी इज चेंजिंग। सो इफ दिस डिपेंडेंस इज सेम द ग्राफ इज गोइंग टू हैव अ कॉन्स्टेंट स्लोप, एंड इफ दिस डिपेंडेंस इज चेंजिंग देन द ग्राफ इज गोइंग टू हैव अ वेरिएबल स्लोप। जैसे कि पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ को निपटाते हैं, सो बोथ ऑफ देम आर एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट स्लोप। दोनों एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट स्लोप के, लेकिन दोनों में भी डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पर भी बच्चों मैं छोटा सा चेंज लेके आई डीएक्स में, इसकी वजह से एक छोटा सा चेंज आया डीवाई में। दोबारा से मैं कुछ टाइम के बाद दोबारा से डीएक्स मैं एक छोटा सा चेंज लेके आ रही हूँ एक्स क्वांटिटी में, और उसकी वजह से एक छोटा सा चेंज आ रहा है वाई क्वांटिटी में। तो ये फिक्स्ड है। अगर मैं एक्स क्वांटिटी में जो चेंज लेके आ रही हूँ अगर मैं उसको कांस्टेंट रखती हूँ तो वाई क्वांटिटी में भी जो चेंज आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। एंड दैट इज सेम फॉर द सेकेंड ग्राफ एज वेल, कि देखो मैं छोटा सा एक्स क्वांटिटी में चेंज लेके आई तो उसकी वजह से एक छोटा सा वाई क्वांटिटी में चेंज आया। एक छोटा सा मैं एक्स क्वांटिटी में चेंज लेके आई तो इस तरीके से एक छोटा सा वाई क्वांटिटी में चेंज आया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज ग्राफ्स इज कि यहाँ पर जब तुम एक्स को इंक्रीज कर रहे हो वाई भी तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है। आप देखिए जब तुम यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हो मान लो, तो तुम्हारा एक्स इंक्रीज हुआ लेकिन फिर वही चक्कर में तुम्हारा वाई भी इंक्रीज हुआ। इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। दैट इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और इफ वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग देन दी अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज। तो इस तरीके के स्लोप को बोला जाता है पॉजिटिव स्लोप। उसी तरीके से अभी अगर दूसरे वाले ग्राफ को देखो तो दूसरे वाले ग्राफ में मान लो तुम ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक जा रहे हो, तो तुमने एक्स को इंक्रीज किया लेकिन इस एक्स को इंक्रीज करने के चक्कर में तुम्हारे पास वाई की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर जब तुम एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो दूसरी क्वांटिटी तुम्हारी डिक्रीज हो रही है, ऐसे स्लोप को नेगेटिव स्लोप बोला जाता है। तो अभी अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ये वाला ग्राफ है। अभी ये वाले ग्राफ से बिल्कुल एविडेंट है कि एक्स की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तुम्हारी मर्जी है, तुम जाके देख सकते हो, ए से लेके बी तक चले जाओ। एक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, वाई की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो मुझे ये तो पता है कि यहाँ पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन स्लोप चेंज हो रहा है ना, स्लोप चेंज हो रहा है कि जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर छोटा सा चेंज एक्स क्वांटिटी में लेके आती हूँ तो उसकी वजह से मुझे माइन्यूट सा चेंज वाई क्वांटिटी में दिखता है। लेकिन जब मैं दोबारा से वही चेंज एक्स क्वांटिटी में बाद में लेके आती हूँ तो मुझे यहाँ पर जो चेंज वाई क्वांटिटी में दिख रहा है वो बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब फॉर द सेम यूनिट चेंज और फॉर द सेम चेंज इन द एक्स क्वांटिटी The change in the y quantity is greater at b and lower at a. So मैं क्या बोलूंगी, यहां पर magnitude of the slope, यहां पर तुम्हारे पास जो magnitude of slope होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। उसी तरीके से यहां पर मैं क्या बोलूंगी, यहां पर मैं बोलूंगी कि यहां पर जो magnitude of slope होगा, magnitude of the slope positive, magnitude of the slope ज्यादा होगा। सेम कंसेप्ट को दोबारा से इस ग्राफ से समझेंगे। तो अब की बार तुम ये वाले ग्राफ में भी देख पा रहे हो कि जब तुम एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। दिस इज इनफ टू से कि यहाँ पर हर एक पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है। लेकिन ये स्लोप चेंज कर रहा है। जैसे कि मान लो अगर मैं पहले छोटा सा चेंज एक्स क्वांटिटी में लेके आऊं तो मेरे पास जो चेंज वाई क्वांटिटी में आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। लेकिन जब मैं वो सेम चेंज एक्स क्वांटिटी में बाद में लेके आऊं तो मेरे पास जो यहाँ पर वाई क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो छोटा आ रहा है।
इसका मतलब पहले ज्यादा मैग्नीट्यूड की स्लोप थी, बाद में कम मैग्नीट्यूड की स्लोप है. तो आई विल से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ये वाले केस में, ठीक है, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप क्या है, ज्यादा है ना. और यहां पर ये वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप तुम्हारे पास क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप तुम्हारे पास छोटा आया. तो बच्चों अब ये बड़ा कंसेप्चुअल है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ये वाले ग्राफ में दोनों जगह पॉजिटिव है, मतलब दोनों जगह स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड ए पे कम है, बी पे ज्यादा है. तो आई विल से दैट द स्लोप इज लेस पॉजिटिव हेयर एंड मोर पॉजिटिव हेयर. दोबारा से सुनो, अब की बार ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को कंसिडर करते हैं, तो दोनों दोनों जगह स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है नीचे वाले केस में ज्यादा है. तो ये वाले केस में द स्लोप इज मोर पॉजिटिव एंड ये वाले केस में द स्लोप इज लेस पॉजिटिव. उसी तरीके से एक बार ये वाले ग्राफ को भी देखिए. तो अब की बार देखो, अब की बार दी कहानी हैज चेंज्ड. अब की बार जब तुम एक्स क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हो, तो वाई क्वांटिटी तुम्हारी डिक्रीज होती जा रही है. इसका मतलब अब की बार स्लोप क्या रहेगा, अब की बार स्लोप नेगेटिव रहेगा. लेकिन कहां पर ज्यादा नेगेटिव, कहां पर कम नेगेटिव, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय कि अगर मैं सेम चेंज एक्स क्वांटिटी में लेके आती हूँ, तो ज्यादा चेंज वाई क्वांटिटी में जहां पर आएगा वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ज्यादा रहेगा, और कम चेंज इन वाई क्वांटिटी जहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा वहां पर स्लोप का कम मैग्नीट्यूड रहेगा. तो अभी अगर मैं सेम चेंज एक्स क्वांटिटी में लेके आ रही हूँ, तो यहां पर मुझे जो चेंज इन वाई क्वांटिटी में देखने को मिल रहा है यार, वो बड़ा है. और बाद में जब मैं सेम चेंज इन एक्स क्वांटिटी लेके आ रही हूँ, और यहां पर मुझे जो चेंज इन वाई क्वांटिटी को में देखने को मिल रहा है वो छोटा है. इसका मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप क्या होगा, यहां पर ये वाले केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप यहां पर बड़ा है. तो एक तो स्लोप नेगेटिव, ऊपर से मैग्नीट्यूड ज्यादा, मतलब ये वाले पॉइंट पे स्लोप विल बी मोर नेगेटिव. तो एज यू ऑल कैन सी, यहां पर स्लोप मोर नेगेटिव, यहां पर स्लोप लेस नेगेटिव. ठीक है, तो ये मोर मोर मतलब मैग्नीट्यूड की टर्म्स में भी स्लोप क्लियर होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव की टर्म्स में भी स्लोप क्लियर होनी चाहिए. अभी इसको एक और तरीके से भी तुम लोग देख सकते हो कि जैसे कि अभी तक हम लोग स्लोप को जो डिफाइन कर रहे हैं ना, स्लोप को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि छोटा सा चेंज लेके आते हैं एक्स क्वांटिटी में और देखते हैं फिर वाई क्वांटिटी में कैसा चेंज आ रहा है ना, और उसके हिसाब से हम लोग स्लोप डिसाइड करते हैं. सो दैट गिव्स मी द मैग्नीट्यूड. ऊपर से फिर बाद में एक्स क्वांटिटी के इंक्रीज होने से वाई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप पॉजिटिव. एक्स क्वांटिटी के डिक्रीज होने से वाई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप पॉजिटिव. एक्स क्वांटिटी के डिक्रीज होने से वाई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप नेगेटिव. अभी तक हम ये वाला फंडा यूज कर रहे थे, अब की बार हम अलग फंडा यूज करेंगे. अब की बार हम लोग यूज करेंगे ये वाला फंडा कि तुम्हें फिसलन मैग्नीट्यूड देगा. ध्यान से देखो, फिसलन तुम्हें मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है, और जो तुम्हारे पास स्लोप एंगल है वो तुम्हें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बताएगा. कि मान लो अगर ये स्लोप एंगल तुम्हारे पास एक्यूट है, तो आई विल से तुम्हारे पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और अगर ये स्लोप एंगल तुम्हारे पास ऑब्ट्यूस है, तो तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर जो तुम लोग स्लोप देख रहे हो वो नेगेटिव है. सो लेट मी फर्स्ट टेल यू वॉट इज फिसलन एंड वॉट इज द स्लोप एंगल, क्योंकि मैंने तुम लोग को दो क्वांटिटी से इंट्रोड्यूस किया है, एक तो फिसलन और एक स्लोप एंगल. तो स्लोप एंगल कैसे देखते हैं ना, कि मान लो मुझे ये वाले पॉइंट के ऊपर स्लोप एंगल निकालना है, तो ये वाले पॉइंट पे मैं दो लाइंस बनाऊंगी. एक तो लाइन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक लाइन होगी ये वाले पॉइंट के ऊपर टेंजेंट. तो अब जब तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, ये वाला जो एंगल है ये तुम्हें स्लोप एंगल देगा. उसी तरीके से यहां पर भी देखो, यहां पर मैंने बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां पर बनाया टेंजेंट, सो दिस इज गिविंग मी स्लोप एंगल. तो तुम लोग देख पा रहे हो स्लोप एंगल एक्यूट है, स्लोप एंगल एक्यूट रहेगा तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा, जो कि तुम लोगों को देखने में भी पता लग रहा है कि एक्स की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप यहां पर भी पॉजिटिव है, स्लोप यहां पर भी पॉजिटिव है. फिसलन का मतलब ये, टेंजेंट पे बैठ जाओ और देखो कहां पर ज्यादा फिसलोगे. तो अभी अगर मैं यहां पर टेंजेंट पे बैठ जाऊं तो बिल्कुल जूम करके फिसलूंगी, यहां पर टेंजेंट पे बैठूंगी तो थोड़ा सा धीरे धीरे फिसलूंगी. तो जहां पर फिसलन ज्यादा वहां पर चेंज ज्यादा, वहां पर चेंज ज्यादा, बिकॉज एब्रप्टली एक्स की क्वांटिटी के चेंज होने से वाई की क्वांटिटी चेंज हो रही है. तो जहां पर फिसलन ज्यादा वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो यहां पर फिसलन ऊपर वाली साइड ज्यादा है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा. सो यहां पर स्लोप इज गोइंग टू बी मोर पॉजिटिव, यहां पर फिसलन कम है, इट इज गोइंग टू बी लेस पॉजिटिव. दोबारा से देखेंगे ये वाले ग्राफ की हेल्प से. तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे मुझे स्लोप एंगल देखना था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाया, दोनों पॉइंट के ऊपर मैंने टेंजेंट बना दिया.
तो ये जो स्लोप एंगल है, स्लोप एंगल मेरे पास एक्यूट आ रहा है, मतलब दोनों जगह स्लोप मेरे पास क्या आएंगी, दोनों जगह स्लोप पॉजिटिव होगी, यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव होगी, यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव होगी, जिसका एक एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को ऑलरेडी दे दिया, एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्लोप एंगल दोनों जगह एक्यूट है। दूसरी चीज अभी मैंने तुम्हें बोला फिसलन देखो, तो यहाँ पर अभी ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर बैठ के ज्यादा फिसलोगे या फिर इसके ऊपर बैठ के ज्यादा फिसलोगे, नीचे वाले केस में ज्यादा फिसलोगे ना, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मोर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर लेस पॉजिटिव हो जाएगा। मोर का मतलब मैग्नीट्यूड, मोर पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव अलग चीज है, मोर का मतलब मैग्नीट्यूड। उसी तरीके से ये वाले एग्जाम्पल की हेल्प से दोबारा से समझेंगे, तो अब की बार तुम्हें इन दोनों पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालनी थी, तो तुमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाया और टेंजेंट बना दिया, यहाँ पर स्लोप एंगल ऑब्ट्यूस, यहाँ पर स्लोप एंगल ऑब्ट्यूस, तो दोनों जगह स्लोप क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, जो कि तुम लोगों को बेसिकली ग्राफ को देख के भी पता लग रहा है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप तो भाई तुम्हारे पास नेगेटिव ही आना था, तो यहाँ पर भी स्लोप नेगेटिव रहेगी, यहाँ पर भी नेगेटिव रहेगी। अब देखनी है तुम्हें फिसलन, तो यहाँ पर फिसलन, यहाँ पर टेंजेंट ये है, यहाँ पर टेंजेंट ये है, बैठो कहाँ पर ज्यादा फिसलोगे, ऊपर वाले केस में ज्यादा फिसलोगे ना, तो ऊपर वाले केस में मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, नीचे वाले केस में मैग्नीट्यूड कम रहेगा। ठीक है, आई एम होपिंग ये फिसलन वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। देखो यहाँ पर ऊपर वाले केस में ज्यादा फिसलन है ना, तो दो एग्जाम, दो तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं फॉर द सेम थिंग, वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप एंड अनदर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, सो दैट इज हाउ यू व्यू वेरिएबल स्लोप्स। अभी फटाफट से अगर ये तुमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, कमेंट सेक्शन में वन लिख देंगे कि तुमने एक फिजिक्स 25 सेशन कंप्लीट कर दिया, और अब देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला, वो बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, अब देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला, और फिर बाद में उसको कंप्लीट करके टू लिखेंगे, फिर देखेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और उसके कमेंट में थ्री लिखेंगे। सो दैट वुड बी ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम होपिंग ये स्लोप वाला फंडा क्लियर हो चुका है, लाइक करेंगे इस वीडियो को और आगे शेयर करेंगे, डू वॉच द सेकेंड पार्ट एज वेल, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।